तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग्स के लिए कौन सी ऐप यूज करता हूँ, तो वो है वीगो ऐप। तो जो वीगो है वो ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है और इसकी जो सर्विसेज हैं वो वेरियस करेंसीज और लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और सबसे ज्यादा ये तब काम आती है जब आपको बुक करनी हो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल होटल्स, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स को कंपेयर करके आपको चीपेस्ट प्राइस बताती है। तो वीगो पे आप बहुत सारी वेबसाइट से फेयर कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप, या फिर डायरेक्ट बुक कर सकते हो स्पाइस जेट, इंडिगो वगैरह से, या फिर आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो वीगो ऐप से भी। तो होटल बुकिंग के लिए ये आपको चॉइसेस देगा, जैसे होम रेंटल्स अगर आपको बुक करना है तो एयरबीएनबी की चॉइस आएगी, और अगर आप होटल्स होटल वगैरह बुक करने हैं तो उसमें चॉइस आएगी आपको booking.com की, अगोडा की, मेक माई ट्रिप की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स की। तो इन बुकिंग्स के अलावा vigo.com पे आप और भी बहुत सारी चीजें बुक कर सकते हो, जैसे कि फन एक्टिविटीज और IRCTC की ट्रेन बुकिंग। वीगो जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट लोडिंग ऐप है और ये सबसे ज्यादा काम आती है जहां पे लो कनेक्टिविटी होती है और लास्ट मिनट बुकिंग्स के लिए। तो मैंने जो लिंक दिया है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो वहां से आप जाके अपडेट कर सकते हो। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रेवल विद वीगो। यहाँ पे पहुंच गए, ट्रेन दिन का बज रहा है 1, मतलब जो लास्ट वीडियो हमने खत्म करी थी उसमें बज रहे थे 8, और यहाँ पे गिर रही है बर्फ, मतलब बहुत बहुत पतली पतली, मतलब थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको, शायद मेरी जैकेट पे दिख जाएगी, इसलिए मैंने ब्लैक, देखो आई ना, तो अभी गिर रही है यहाँ पे धीरे धीरे बर्फ। और मैंने भी टेम्परेचर चेक किया, यहाँ पे हो रहा है -4 degrees और फील्स लाइक में कुछ -8 आ रहा है। तो मतलब जैसे एकदम से उतर के आओ ना थोड़ी बहुत, तो फिर आपको मतलब इतनी तेज़ नहीं लगती ठंड, -4 बहुत ज़्यादा होता है, इतना नहीं लग रहा क्योंकि अभी मैं उतर के आया हूँ, गर्म ही था मैं। पर अगर आप मतलब बहुत देर तक रहोगे इस टेम्परेचर में इस ड्रेस के साथ जो मैंने पहन रखी है, जो कि कुछ भी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और मैं रिकमेंड नहीं करता आपको ऐसे करना। और अंदर तो ट्रेन के बिल्कुल पता नहीं चलता, अंदर तो ऐसे लगता है भाई क्या है, आराम से उतर जाएंगे, पर बाहर जब आते हैं भाई बहुत ठंड, क्योंकि अभी अंदर जो टेम्परेचर है पूरी हीटेड ट्रेन है, कूल ट्रेन है, और मतलब +21 पे चलता है अंदर तो टेम्परेचर। और हमारे डिब्बे अभी तो सारे जुड़े हुए हैं, कल टूटेंगे हमारे डिब्बे और नए डिब्बे लगेंगे, शायद मॉस्को से ट्रेन आएगी उसके थोड़े बहुत जुड़ जाएंगे, व्लादिवोस्तोक से आएगी उसके थोड़े जुड़ जाएंगे, और सारे कंबाइन होके जाएंगे यकूत्स्क की तरफ। और मेरा हाथ अब फ्रीज हो रहा है, -4 degrees हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर। थोड़े आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, पहली बार मतलब बर्फ काफ़ी देर से आ रही होगी, पर हम सो रहे थे 1.5 घंटे शायद आ रही होगी बर्फ, पाजी अभी भी सो ही रहे, मैंने कहा पाजी बर्फ, कह रहे भाई सोने दे मेरे को। बाथरूम तो नहीं है इस ट्रेन में, पर टॉयलेट कुछ ऐसी है, साफ सफाई तो है पूरी की, ब्रश करने आया था मैं, तो बाथरूम तो नहीं है, अब 3 दिन नहा तो नहीं सकते। उस ट्रेन से रेस चल रही है हमारी, उसका इंजन का है ये रहा, बस रेस नहीं चल रही है तो हमारी तरफ ही आ रही थी। आपको मतलब एक गिलास आपको मिल जाएंगे ट्रेन में, देते हैं फ्री में, इसमें पानी वानी डाल सकते हैं, अपना चाय वगैरह कुछ भी जो भी बनाना बना सकते हैं। हम तो अपने लेके आए थे ये चाय बना सकते हैं भाजी रशिया से, हाँ चाय बना सकते हैं, क्या बना रहे हैं, चीनी सब कुछ तो बन गया हमारा, दूध। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और ये मतलब आखिरी स्टॉप है, इस अंधेरा हो ही चुका है लगभग, यहाँ पे सनसेट हो जाता है 4:30 पे, और यहाँ पे टेम्परेचर अभी हो रहा है -7, और मैंने इंस्टा स्टोरी में बोल दिया था -4, और फिर मैंने उसी स्टोरी में बोल दिया -8, तो मैं वो होता है फील्स लाइक टेम्परेचर, मतलब आपको फील कितना हो रहा है हवा की वजह से। तो यहाँ पे -7 तो हो रहा है पर फील्स लाइक है -13, तो मतलब -13 भी कह सकते, मतलब बंदे को -13 लग रहा है पर फील्स लाइक -7 हो रहा है, और निकल के आया तब तो नॉर्मल लग रहा था ना भाजी, और ठंड लग रही है, और अब ठंड लग रही है। और ये ट्रेन का स्टॉप है लंबे वाला, यहाँ रुकना था 37 मिनट्स, पर ये ट्रेन हो गई 11 मिनट लेट हो गई ये ट्रेन, अभी लेट थोड़ी है ये इंडिया में तो मतलब आधा घंटा लेट, मतलब वो टाइम से पहले आ गई है।
1-2 घंटे इंडिया में लेट होते हैं तो उसको कहते हैं थोड़ी सी लेट थी, इंडिया तो 8-10 घंटे लेट होती है उसको, पर देखो लेट थी। अब इस बात को ना भाजी लोग नेगेटिव में ले लेंगे कि इंडिया की बेइज्जती कर रहा है, पर भाजी सच तो यही है कि आज भी ट्रेन लेट चलती है, 80% ऑफ द ट्रेन लेट चलती है। पर भाजी आप जो चंडीगढ़ से आए थे दिल्ली, हाँ लेट थी वो, कितने मिनट? 12 मिनट लेट चली है वहाँ से, और मतलब उसको लेट में किसी ने काउंट भी नहीं करा। तो दिल्ली लेट पहुंची थी वो, दिल्ली भी लेट पहुंची थी, मतलब दिल्ली पहुंचने का टाइम 7:25 था सुबह, और उसने जब मेरे को जगाया, मतलब उस टाइम ट्रेन अभी रुक रही थी, रुक गई थी वैसे, उतर रहे थे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटा हो गया उसको, 8-10 पे जगाया उसने मेरे को। अच्छा, तो मतलब हाँ अभी भी लेट चलती है, ये नहीं है कि मतलब नहीं चलती लेट, जो सच है वो तो सच है ही, और यहाँ भी लेट हो गई तो मैंने बता दिया, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे देशों की तारीफ ही करता रहता हूँ, लेट हुई है तो मैंने बता दिया। यहाँ बर्फ गिरी हुई है, अभी नई नई गिरी है, मतलब शुरू ही हुई है ये प्लेटफॉर्म, और रूह अफजा ला के आप अपना बना सकते हो इसको, मतलब घर से रूह अफजा की एक बॉटल ले आना, इसको उठाओ डालो, इसी में डाल सकते हैं हम तो, उल्टी साइड डालो, फ्रीज हो रहे हैं ना। पाजी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टेम्परेचर नहीं लिखा रहा है, टेम्परेचर मैं बता देता हूँ, बाहर हो रहा है -17 +20, बाहर -17 अंदर +20, 37 डिग्री का डिफरेंस। थोड़ी भूख सी लगी थी, रात के बज रहे हैं 2 और ये स्टेशन है स्कॉर्नो दीवो, तो यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है -15, तो हमने सोचा चलो यार वो मैगी के वो ले आते हैं कप नूडल टाइप, देखो ट्रेन के अंदर ही। तो भाई मैंने आपको बताया था कि 3 डिब्बे रह जाएंगे हमारे, और सारे डिब्बे यहाँ से चले जाएंगे मॉस्को की तरफ, और वो स्टेशन अब आ चुका है, तो मैंने पाजी को कहा यार लेके आना मैगी, तो पाजी आए, अब ये अपना डिब्बा ये वाला जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे आए पाजी, और इसके बाहर तो स्टेशन दिख रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म दिख रहा है, क्या कहते मैं नहीं लेके आ सकता, जा तू लेके आ जा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, बता ही नहीं रहा। फिर मैं आया, मैंने कहा यहाँ तो डिब्बे ही गायब हो गए, अब सिर्फ 3 डिब्बे बचे हैं, नए डिब्बे जुड़ेंगे थोड़े दिन में, थोड़ी देर में, और फिर ये ट्रेन जाएगी इरकुत्स्क की तरफ। ये स्कॉर्नो स्टेशन है, और यहाँ पे मतलब ट्रेन 2.5 घंटे से रुकी हुई है, अब हमारे सिर्फ 3 डिब्बे बचे हैं, नए डिब्बे कल सुबह लगेंगे, बस चलने वाले हैं थोड़ी देर में, और यहाँ पे टेम्परेचर है -17, बर्फ गिरी हुई है देख सकते हो, और आधी ट्रेन मॉस्को चली गई, और ये अपने 3 डिब्बे बचे हैं बस ट्रेन में। यहाँ उतरे हैं भाई एक स्टेशन पे, 3रा दिन ट्रेन का, कल हम इसी टाइम लगभग पहुँच जाएंगे या कुछ। यहाँ उतरे हैं, टेम्परेचर है -15, और जब मैं मतलब -15 कह के फिर कह दूंगा -19 है, वो होता है फील्स लाइक कितना हो रहा है, तो असली में टेम्परेचर -15, फील्स लाइक मैंने देखा नहीं। और पाजी तो सो रहे हैं अभी भी, यहाँ 1 घंटा ट्रेन रुकेगी, टिंडा नाम का स्टेशन है ये, और भाई -15 में मतलब ज़्यादा ज़्यादा 3-4 मिनट आप इन कपड़ों में बाहर रह सकते हो, तो बस हवा नहीं चल रही, वरना बाहर नहीं निकलता मैं, तो कांपने लग गया हूँ मैं, 40 सेकेंड ही हुए हैं बाहर आए हुए, इतना टेम्परेचर मैंने कभी फील नहीं किया ज़िंदगी में, क्योंकि गुलमर्ग वगैरह में था, वहाँ पूरी बर्फ गिरती थी, पर वहाँ पे क्या होता था, -4-5-7 डिग्री होता था, वो भी रात को होता था, मतलब कि रात को जब हम सो रहे होते थे, ये तो दिन दहाड़े मतलब सुबह के 10 बजे और -15 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा अलग है। थोड़ा आपको नज़ारे दिखाता हूँ बस, फिर अंदर चलता हूँ, क्योंकि हाथ कांपने लग गए हैं और शरीर भी। सोने आए हुए कुछ, ये देखो भाई बाहर के नज़ारे। अभी क्या हुआ कि मैं हमारी जो डिब्बे हैं इसके दोनों दरवाजे हमारे जो टीटन है उसने बंद कर रखे थे, तो मेरे को बाहर तो जाना था, चाहे 1 मिनट के लिए जाना हो, तो साइड वाले दरवाजे में से मतलब साइड वाले डिब्बे में से लोग जा रहे थे बाहर, तो मैं उसमें से बाहर चला गया, फिर मैं 3-4 मिनट वीडियो बनाई होगी, मैंने सोचा अंदर चलते हैं, इतनी देर में उस वाले जो टीटन है उस वाले कंपार्टमेंट की उसने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया।
फिर मैंने कहा भाई कहीं ट्रेन के चलने का टाइम तो नहीं हो गया, पर एक घंटे का स्टॉप है यहाँ पे। फिर मैं ऐसे घूम के आया दूसरे वाले तीसरे डिब्बे में, वहाँ से चढ़ा। इतने में क्या हुआ, मेरी जो हमारे टीटन है उसने देख लिया हमको कि भाई ये आ रहा है, तो आई दरवाजा खोला, डांटने लग गई, मतलब कुछ बोल रही थी रशियन में, क्यों गया बाहर, इतनी ठंड थी, मना किया था ना, तो आ गया वापस अंदर। बज गया दोपहर का, क्या ही कर सकते हैं, अभी सोना ही पड़ता है। तो अभी जो धीरे धीरे बर्फ़ है ना वो बढ़ती जा रही है, मतलब दिख रहा है कि हाँ भाई बर्फ़ पड़ रही है। अगला मेजर स्टॉप आएगा 4 बजे, जहाँ पर ट्रेन 20 मिनट रुकेगी, और 4:30 बजे अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं आपको बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ भी क्या चल रहा है। अभी नेटवर्क आ नहीं रहे, मतलब लगभग जर्नी में फ़ोन करने जितने तो आते हैं, पर 4G तभी आते हैं जब मतलब किसी टाउन के आसपास चल रहे होते हैं। तो बाहर का नज़ारा देखो आप, अब बर्फ़ कैसी हो गई है, पहले तो ज़मीन ज़मीन पे गिरी थी, अब पेड़ों पे भी बर्फ़ इकट्ठा हो चुकी है। तो भाई बर्फ़ गिरती हुई आपको दिखेगी अभी, और हमारे शीशे पे जमा भी हो गई है, दिख रहे हैं थोड़े छोटे 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 दिखे, यहाँ ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं। देखो 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 आके गिर रहे हैं। ये है रेस्टोरेंट कार और खाली है, कोई नहीं है। यहाँ के शीशे थोड़े गंदे हो रखे हैं। कुछ नहीं भाई, यहाँ पे आलू मिल जाएगा, ब्रेड और ये। डिब्बा पार करने में तो देखो इंडिया में भी डर लगता है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा डर क्या है, बर्फ पड़ी होती है और यहाँ पैर फिसल सकता है, तो फोन तो जरूर गिर सकता है। एक बार फिसला था पैर, पर अब तो ठीक है, मेरे को आ गया कैसे करना है। तो हम पहुंच चुके हैं भाई नेरुंगिरी स्टेशन। थोड़ा टाइम टेबल में गड़बड़ थी, पता नहीं कहीं और लिखा था रुकेगी, पर यहाँ पे रुकी है अभी, ये भी नहीं पता कितनी देर रुकेगी। कान हो गए चिल, पाजी के पास तो है टोपा, मेरे पास में लाना भूल गया। और देखो बर्फ गिर रही है, दिख रही है पाजी आपको? हाँ। थोड़ी मतलब ऐसे नहीं दिखेगी, व्हाइट पे व्हाइट नहीं दिखेगी, ब्लैक पे थोड़ी मतलब यहाँ पे दिखेगी, अगर गिर रही तो थोड़ी बहुत। हाँ डिग गई, नमक जितनी गिर रही। हाँ देखो दिख रही होनी है, दिखाओ दिख रही है। तो यहाँ पे हो रहा है टेम्परेचर -17-18, और अभी तक कपड़े मतलब हम ना जब यकूत उतरेंगे ना तभी सारे पहनेंगे, पूरा बैग ही पहन लेंगे लगभग, है ना। क्योंकि अभी तो हम आ रहे हैं गर्म में, तो हमको पता नहीं चल रहा इतना, पर वहाँ उतरेंगे बहुत देर तक उतरना पड़ेगा, तो वहाँ पे सब कुछ पहन के ही उतरना पड़ेगा। भाई कैसा नज़ारा है, बहुत बस ये लास्ट स्टेशन है अंधेरा होने से पहले, 4 बजे यहाँ अंधेरा हो जाएगा 4:30 बजे करीब, और फिर रात 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 बस कुछ नहीं दिखेगा। एक फ़ोटो खींच दो बस। देखो भाई बर्फ गिरने लग रही है, रात के बज रहे हैं 10, टेम्परेचर है -23। तो ये लगभग लगभग लास्ट स्टॉप है निजनी बेस्त्याग से पहले, यहाँ पे गिर रही है अभी बर्फ, -23 के करीब टेम्परेचर है। और ये देखो खुद ही मतलब अपनी जो टीटी है ये खुद ही उतर के डीआइसिंग वगैरह करते हैं, कि इतनी ठंड हो गई है, जमी रहेगी बर्फ वरना। और यहाँ से बस सफ़र रह गया है अब 12 घंटे का, कल सुबह 11 बजे पहुँच जाएंगे, रशिया की ट्रेन भी लेट चल रही है, अराउंड अराउंड आधा घंटा। तो इस वेदर में लेट चलना थोड़ा जायज़ सा ही लगता है। बाजी तो नहीं आए बाहर, -23 डिग्री हो रहा है, तो मैं भी 1 मिनट के अंदर अंदर वापस चला जाऊँगा। भाई ट्रेन से उतरने का टाइम होने वाला है, तो मैंने अपने बैग में से असली वाले कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि अब परमानेंटली ट्रेन से बाहर रहना है जब तक हम अपने होस्ट के घर नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या क्या निकाल लिया भाई, एक ये लोअर जो पजामे के नीचे पहनना है, फिर
ऐसा ही एक और होगा, एक सेकेंड, ये है सबसे नीचे वाला जो वो होता है मतलब गर्म वाला सबसे नीचे पहनने वाला, उसके ऊपर मैं पहनूँ स्वेट शर्ट ठीक ठाक मोटी है ये वाली, फिर ये तो मतलब ऐसे ही है शॉल टाइप, फिर ये वाली जो मैंने अभी पजामा पहन रखा है इससे थोड़ा मोटा है ये वाला, फिर एक ये जैकेट और ये सॉक्स भी मोटे वाली हैं, और जूते तो अपने हैं ही, अगर इनसे भी काम नहीं चलता तो होस्ट के घर पहन जाके अगली बार थोड़ा और पहन लिया करेंगे, पर अभी वेदर के हिसाब से -15-17 मिलेगा बाहर और बर्फ़ गिर रही होगी, तो हुडी पहननी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ये निकाल लिया है, देखते हैं इससे रुक पाता है या नहीं रुक पाता। हमारा भाई थर्ड क्लास डिब्बा था, थर्ड मतलब वैसे नहीं, थर्ड क्लास था, मतलब थर्ड क्लास थी हमारी ट्रेन, तो इसमें मतलब थर्ड क्लास में इंडिया में तो तीन होते हैं ना इस तरफ, इसमें दो ही होते हैं, और सेकंड क्लास में क्या होता है कि साइड वाले दो गायब हो जाते हैं, पूरा कंपार्टमेंट बन जाता है। फर्स्ट क्लास में क्या होता है ये ऊपर वाली गायब हो जाती है और बस दो ही बचते हैं और पूरा कंपार्टमेंट बन जाता है, जैसे इंडिया में फर्स्ट क्लास में चार होते हैं बस कंपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, जैसे सीजन के हिसाब से रेट डिसाइड होते हैं, यहाँ पे क्या होता है ना सीजन के हिसाब से रेट डिसाइड होते हैं ट्रेन के, अगर गर्मियों का सीजन है थोड़ी महंगी ट्रेन मिलेगी, थोड़ा पहले कराओगे तो ऐसे ऐसा, मतलब ऐसे डिसाइड होते हैं। और कई ट्रेन में जो मतलब बहुत फेमस होती हैं, मतलब जो मेजर रूट पे चलती हैं, मेजर रूट नहीं है, मेजर रूट पे चलते हैं, उनमें क्या होता है ऊपर वाली सीट सस्ती होती है, नीचे वाली महंगी होती हैं। तो जैसे इंडिया में कई बार होता है ना कि आंटी वगैरह आ जाती हैं, वो कहती हैं बेटा आप ऊपर वाली सीट ले लो, हमको नीचे वाली दे दो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर आपको नीचे वाली चाहिए तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो और आपको नीचे वाली सीट मिल जाएगी। ये तो वैसे भी ट्रेन खाली चलती है तो इसमें इतना था नहीं, ऊपर नीचे वाला सेम प्राइस था, पर रशिया में ऐसा होता है कि अगर आपको नीचे वाली चाहिए खुद सेलेक्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे दे दो आप, आपको मिल जाएगी नीचे वाली, तो बाद में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि यार हमारी दोनों हमने नीचे वाली कराई थी बुक और ऊपर कोई आंटी आ गई तो वो तो कह देगी आती बेटा आप ले लो ऊपर वाली, है ना, पर इंडिया में तो ऐसे होता है, यहाँ ऐसे बिल्कुल नहीं मिला मेरे को, बेटा ऊपर चले जाओ मैं नहीं जा सकती और बेटा बेचारा क्या करे, बेटे को जाना पड़ता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा भाई दो मत किसी को सीट ऐसे, पर मतलब ये है कि इंडिया में मतलब नजायज फायदा भी उठाया जाता है इस चीज का, कि मतलब हाँ भाई आप ही ऊपर जाओ, हम क्यों जाए ऊपर। तो ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो अगर आपने महंगी वाली सीट ले रखी है, आंटी लाओ 2000 रुपल दो मेरे को जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए ट्रेन के क्योंकि मैंने देखा है कई सीट लोअर बर्थ 8000 रुपल की होती है और ऊपर वाली 5000 रुपल की होती है सेम डिस्टेंस की ट्रेन में, तो पहुंचने वाले हैं बस, तो ये बता रहा था मैं। तो थोड़ा पहले बुक कराओगे, समर्स में थोड़ी महंगी मिलेगी, विंटर्स में थोड़ी सस्ती मिलेगी। पहुंच गए हैं पाजी, मेरे को पाजी पहुंच गए स्टेशन आ गया तो भाई यहाँ पे हम पहुंच गए यकुत्स, और मतलब ट्रेन पता नहीं जल्दी पहुंच गई या फिर हमने गलत पढ़ लिया क्या हुआ, पर हाँ हम थोड़ी पैकिंग में लेट हो गए, पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। और आपको थोड़ा सिस्टम बताता हूँ, तो देखो पाजी अभी पैकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पहुँच गए कुछ में, निजनी बेस्त्याक स्टेशन है, और यहाँ पे अभी तो मैंने भाई बहुत सारी लेयर्स पहन लिए, जैसे आपने देखा पता नहीं क्या क्या पहन लिया, जो था सब पहन लिया मैंने, इसके अलावा भी एक दो पहन सकता हूँ अगर और ठंड लगी तो, जो कि लगेगी थोड़े दिन आने वाले में। और सब उतर गए यहाँ से, बस यहाँ से पता है हमारी टीटी ने कुछ कहा था वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। ये निजनी बेस्त्याक का स्टेशन, इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म और अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं।